नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद मौर्य और आप देख रहे हैं दायम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ खुदा नखास्ता कभी कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं तो आप उसकी कंप्लेन कहाँ करके अपना पैसा 100% वापस ले सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम बात करेंगे कुछ लेडीज़ के लिए, जैसे कि अगर उनको कोई व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर MMS वीडियोज़ वगैरह कुछ भी वल्गर कंटेंट या फिर वल्गर फोटोज़ या वीडियोज़ कोई शेयर करता है तो उसकी कंप्लेंट कहां पर करके सॉल्यूशन पा सकते हैं। या फिर दोस्तों, कोई सोशल मीडिया पर आपको कोई वल्गर अश्लील कंटेंट दिखाई देता है जिसकी रिपोर्ट आप करके उस कंटेंट को हटवा सकते हैं या फिर आप उस यूज़र को ब्लॉक करवा सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन साइबर क्राइम से रिलेटेड जानकारी की के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे कैसे आप कहां पर कंप्लेन करके क्या सॉल्यूशन पा सकते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी कि आज हम पहले नंबर पे बात करेंगे कि अगर आपके अकाउंट से कभी कोई बैलेंस कट जाता है साइबर फ्रॉड के थ्रू तो आप उस अपने बैलेंस को कैसे वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके साथ कोई फ्रॉड कॉलर आपको कॉलिंग करके आपकी कोई बैंकिंग डिटेल्स या फिर OTP वगैरह मांग लेता है और आप उसको दे देते हैं या फिर आपका कोई रिलेटिव के साथ ऐसी कोई घटना घट जाती है तो आप उसकी कंप्लेंट कहां पर कर सकते हैं। दोस्तों भारत सरकार का एक अपना पोर्टल है, कई एजेंसियों ने इसे डेवलप किया हुआ है और इसमें बैंकिंग सेक्टर लगभग पूरा शामिल है। इसमें कोई भी फ्रॉड होता है तो आप इस पर जैसे ही कंप्लेन करते हैं तो आपकी कंप्लेन जो पर एक्शन जो है इस पर जो भी एजेंसियां एक्टिव हैं वो तुरंत लेती हैं। ये जो पोर्टल है भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय द्वारा निर्मित है, एक तरीके से समझिए। तो इस पर जैसे ही कोई आप अपना कंप्लेन फाइल करते हैं उस पर उधर की टीम एक्शन लेती है तो सीधे बैंक को सीधे आपको रिपोर्ट किया जाता है आपके बैंक से पैसा कट के किस बैंक या किस पेमेंट गेटवे पे गया है। उस पर तुरंत नोटिफिकेशन भेजकर उसे उस अकाउंट को फ्रीज करा दिया जाता है। फ्रीज कराने के बाद दोस्तों कुछ प्रोसेस को फॉलो करके आपका पैसा वापस रिफंड ले लिया जाता है और उसके बाद आपको वापस मिल जाता है। तो इन केसेस में अगर आपके साथ कोई फ्रॉड केस ऐसा होता है, फाइनेंशियल लॉस से रिलेटेड है, तो आप उसकी कंप्लेन आराम से cybercrime.gov.in पर कर सकते हैं। cybercrime.gov.in का जो हेल्पलाइन नंबर है 155260 है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। ये नंबर दोस्तों सभी स्टेट के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। अगर ये नंबर नहीं लगता है तो आप अपना ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन यहां से फटाफट मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको कभी सोशल मीडिया पे कोई वल्गर कंटेंट या अश्लील वीडियोज फोटोज वगैरह कुछ भी दिखाई देता है तो अब भी आप उसकी कंप्लेन साइबर क्राइम पोर्टल पर कर सकते हैं। इस पोर्टल पर कंप्लेन करने के बाद दोस्तों इस पोर्टल के बैकएंड में बैठी जो एक्टिव टीम है या जो एजेंसी समझ लीजिए, सोशल एजेंसी जो भी है वो काम करती है, वो तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती है। चूँकि वो इन्फॉर्मेशन एक भारत सरकार के इनिशिएटिव यानी भारत सरकार के पोर्टल के थ्रू जाती है तो फटाफट इन पर एक्शन लिया जाता है और एक्शन लेने के बाद या तो उन अकाउंट को फ्रीज कर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर उन कंटेंट को हटा लिया जाता है। तो ऐसे केसेस की भी आप एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह, आप अच्छे नागरिक की तरह एक सोशल मीडिया को एक हेल्दी प्लेटफॉर्म बनाने में अपनी हेल्प कर सकते हैं और वल्गर कंटेंट को वहाँ से हटा सकते हैं। तो दोस्तों अब तीसरे नंबर की बात करते हैं, अगर किसी महिला को कोई व्यक्ति गलत कंटेंट अश्लील फोटोज या वीडियोज शेयर करता है तो वो एक तरीके से साइबर अपराधी है, उसकी भी FIR इस पोर्टल पर की जा सकती है। अगर कोई महिला इसकी FIR करती है तो इस पर भी प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए इन पर एक उचित कार्रवाई की जाती है। इस पर कार्रवाई करने से मतलब एक साइबर पोर्टल पर कंप्लेन करने से महिलाओं को सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि उन्हें कोई मैनुअल थाने में जाकर FIR नहीं दर्ज करानी पड़ती है, ना ही कोई हेडेक लेना पड़ता है। सिंपली ऑनलाइन FIR या फिर एक कॉल के माध्यम से FIR दर्ज हो जाती है और उन पर एक्शन हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह के किसी भी साइबर क्राइम की जो है रिपोर्ट आप साइबर क्राइम पोर्टल पर कर सकते हैं और अपना एक प्रॉपर सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेन करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपने इसकी FIR पुलिस में कर दी और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। अगर आप पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई चाहते हैं तो आप पुलिस में भी अपनी FIR फाइल करा सकते हैं जिससे उनकी तरफ से भी इस पर एक्शन लिया जा सकता है।
दोस्तों साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन आप साइबर पोर्टल पे कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमने तीन ये घटनाएं डिस्कशन करी इसी से रिलेटेड ही होनी चाहिए। साइबर क्राइम में वो सारी घटनाएं आती हैं जो मोबाइल और नेटवर्क या फिर इंटरनेट से संबंधित हैं, वो सारी ठगी, वो सारे मामले क्राइम के जो भी पॉसिबल है, जो भी ऑनलाइन हो रहे हैं, ये सारे के सारे क्राइम साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। इन सभी की रिपोर्टिंग आप जो है साइबर क्राइम पोर्टल पर कर सकते हैं और एक प्रॉपर सॉल्यूशन पा सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोज आपको आसानी से मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।